नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मरुद्रा जर्नी के अंदर। तो दोस्तों, आज हम हमीरगढ़ आए हुए थे और दोस्तों मेरे पीछे आप हमीरगढ़ का दुर्ग देख सकते हैं जो कि काफ़ी प्राचीन है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी प्राचीन दुर्ग। और दोस्तों आपको बता दें कि इस दुर्ग ने काफ़ी सारे जो हमले हैं वो झेले हैं और दोस्तों काफ़ी सारे युद्ध लड़े गए थे यहाँ पर। और दोस्तों आपको बता दें कि काफ़ी शानदार व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और काफ़ी जो युद्ध थे वो यहाँ पर लड़े गए। और आपको बता दें कि जो ये जो किला है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जो राजा जी के वंशज थे उनके अंडर में ये किला आता है। तो इसी वजह से दोस्तों इस किले का लेके ताला लगाया हुआ है तो हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों इस किले का इतिहास मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों काफ़ी शानदार व्यू आपको देखने को मिल रहा है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं किला। और दोस्तों इसके इतिहास के जो स्वर्णिम पन्ने हैं वो आपको मैं बता देता हूं और चारों तरफ का जो गांव है वो भी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूं, उसके बाद में आपको इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इस साइड से आप दुर्ग को देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पर ये जो किला है वो बना हुआ है। और दोस्तों सामने आप देख रहे हैं जहाँ पर राजा जी के वंशज रहते हैं, आज भी यहाँ पर राजा जी के वंशज रहते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का सीन है और अंदर चलते हैं किले के। और किले के अंदर जाने के बाद में जो व्यू आपको दिखाएंगे काफ़ी शानदार व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। तलहटी में बसा हुआ है जो हमीरगढ़ का जो गांव है वो यहाँ पर बसा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं किस प्रकार का जो दृश्य है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यह किला बैक साइड से है, किस प्रकार से है वो आप देख पा रहे हैं। और भी दोस्तों ज़्यादा जर्जर हालत में नहीं है, काफ़ी सही है। और अंदर से कैसा है ये मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर ताला लगा हुआ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये। हमीरगढ़ हुकुम पहले बाकरोल नाम से जाना जाता था। बाकरोल जी। और ये चित्तौड़ का जो भी सेनाएं दिल्ली की तरफ से और मालवा की सेना मांडलगढ़ होकर जो आती थी वो यही डेरे डालती थी और यहाँ से पूरी तैयारी के साथ फिर नेक्स्ट डे चित्तौड़ पहुँचती थी। और चित्तौड़ से निकलने वाली सेना भी यहाँ इकट्ठी होती और यहाँ से फिर कूच करती। तो सामरिक महत्व का ये स्थान रहा हुआ है और अनगिनत यहाँ युद्ध हुए हैं। पहले यहाँ इस क्षेत्र की कमान पंवार राजपूतों के पास थी और राणा हमीद के बेटे महाराणा क्षेत्र सिंह जी के समय यहाँ बहुत भीषण युद्ध हुआ था, जिसके अस्तित्व रूप में एक मकबरा बना हुआ है जहाँ कहते हैं हजारों मुसलमानों को यहाँ युद्ध में मार दिया था उनका जी। और ये जो स्थान नीचे जो किले के नीचे वाला जो समतल भूभाग है ये पूरा फौज का पड़ाव कहते हैं आज भी इनको। और महाराणा हरि सिंह जी द्वितीय के समय ये मेरे फोरफादर रावत धीरज सिंह जी को जागीर में मिला था, जो इस क्षेत्र को विरोधियों ने अपने कब्जे में कर लिया था। तो महाराणा के आदेश पर कि ये अगर तुम जीत सको तो तुम जीत लो, तो उनके सूझबूझ से इस पूरे क्षेत्र को उन्होंने जीता और वापस मेवाड़ में मिलाया। तो इस किले के जो संस्थापक हैं वो रावत धीरज सिंह जी हैं, उन्होंने इसका जीर्णोद्वार कराया। उससे पहले जो 80 किले बनाए थे, 84 किले, उसमें से ये एक है। इसका सामरिक महत्व देखते हुए पहले भी यहाँ कुछ खंडर थे, उनको उन्होंने सही करा के महाराणा कुंभा ने, मतलब ये किला जो आपका किला है ये महाराणा कुंभा का बनवाया हुआ है। उन्होंने जो किलों की श्रृंखला बनाई थी सुरक्षा की दृष्टि से उनका बनाया हुआ है। और धीरज सिंह जी बाद में उन्होंने यहाँ ठिकाना कायम किया और इसका जीर्णोद्धार करा करके यहाँ पे शासन कायम किया इस क्षेत्र का। और चित्तौड़ के लिए ये एक सामरिक महत्व का स्थान रहा है। और ये मतलब चित्तौड़ का यूँ कहें कि बॉर्डर के बाद ये चित्तौड़ किले का प्रथम द्वार है ये। तो सबसे पहले यदि चित्तौड़ के ऊपर जो हमला होता था तो मुकाबला दुश्मन का मुकाबला यहीं होता था जी। और इस किले के बारे में और भी कुछ बताएंगे? इस किले पे हुकुम यूँ तो इतिहास में कई चीज़ें गौण कर दी गई, लेकिन लोक कहावतों में इसमें कई युद्धों में यहाँ जिक्र आता है और जगह जगह यहाँ शिलालेख लगे हुए हैं, उसमें उस समय के होने वाले कई आक्रमणों की याद ताज़ा होती है। इतिहास बिखरा पड़ा है चारों तरफ शिलालेखों में। तो शिलालेख आप संरक्षित करवाने, उनको संभाल के रखे हुए, सारे संभाल के रखे हुए इधर उधर आपके किले के आसपास खेतों में या गांव के में कहीं किलोमीटर के क्षेत्र में जो बिखरे पड़े हैं तो उनको पूरा संरक्षण हो रहा है उनका? संरक्षण तो हो रहा है,
लेकिन मौसम की मार से उनके जो लिखावट है वो धीरे धीरे लोप होती जा रही है। अच्छा अच्छा, उनका ढंग से यदि संरक्षण नहीं किया गया तो उनका। आपके किले के गेट पे, किले के गेट पे एक मजार भी बनी हुई है। ये जो तोपखाना इंचार्ज रहते थे, हाँ, वो इबादत के लिए गरीब नवाज के चीले बनाया करते थे। हाँ हाँ, तो गरीब नवाज का एक प्रतीक रूप है केवल। अच्छा, गरीब नवाज का प्रतीक रूप है। और यहाँ पे जो भी उनको, तो वो शिष्य जो तोप चलाने वाले मुस्लिम होते थे क्या? जी। तो यहाँ पे मतलब ऐसा कोई सांप्रदायिक बात नहीं थी, किले की सुरक्षा के लिए मुसलमान भी तैनात रहते? तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी आज़ाद भारत में। ज़रूर यहाँ 5 दंगे हुए हैं, लेकिन अब ठीक है। अब ठीक है, धन्यवाद प्रदीप सिंह जी। जी।